चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो रिक्रूटमेंट है ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में है, ठीक है। कौन सी पोस्ट के लिए चलिए देखते हैं। ट्रेनिंग इंजीनियर है, कुल मिला के 308 पोस्ट हैं। इसके लिए अपर एज लिमिट 25 साल है, ठीक है। 1/8/2021 तक, मतलब 1 अगस्त 2021 तक आपको 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं अनरिजर्व के लिए 124, EWS 31, OBC 83, SC 47, ST 23, ठीक है। ये कंसोलिडेटेड रेमुनरेशन है, ये आप देख लेना। ये वाला लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके ये वाला डाउनलोड करके आप डिटेल देख लेना, ठीक है। प्रोजेक्ट इंजीनियर 203 कुल मिला के पोस्ट हैं। अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है। 1/8/2021 मतलब 1 अगस्त तक आपको 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अनरिजर्व 84, EWS 21, OBC 54, SC 30, ST 14, ठीक है। चलिए नीचे चलते हैं। क्वालिफिकेशन आपको चाहिए 4 ईयर्स फुल टाइम BE/BTECH, ठीक है। मतलब इंजीनियरिंग आपको कंप्लीट करना चाहिए। कौन सी डिसिप्लिन में? इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। फर्स्ट क्लास आपको होना चाहिए। फर्स्ट क्लास इज द इंडिकेटेड क्वालिफिकेशन फॉर जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स एंड पास क्लास फॉर SC ST PWD, ठीक है। SC ST PWD के लिए पास होना जरूरी है। जनरल OBC EWS के लिए फर्स्ट क्लास होना जरूरी है, ठीक है। चलिए नीचे चलते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर ये आप देख लेना। हाउ टू अप्लाई, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। लास्ट डेट है 15 अगस्त 2021, ठीक है। और ये सब आपको 5 रुपये देना है जनरल EWS OBC के लिए और जनरल ट्रेनिंग इंजीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए और ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए 200 रुपये देने हैं, ठीक है। ये आपको डाउनलोड अपलोड करना है 10th सर्टिफिकेट मार्क ये वगैरह आप देख लेना इसको, ठीक है। ये वाला मैं दे दूंगा लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।